तो गाइस आज की इस वीडियो छोटा यूट्यूबर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। गाइस आप लोगों को तो पता होगा, कुछ दिन पहले यूट्यूब ने एक न्यू अपडेट दिया था और वहां पर बोला था कि 12 अक्टूबर से 500 प्लस सब्सक्राइबर वाला चैनल पर कम्युनिटी टैब मिल जाएगा। लेकिन अभी तक आपका यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब को नहीं मिला है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से आपका यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब को कैसे एनेबल कर सकते हो। और गाइस आप चाहते हो आपका यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब को एनेबल करना, लेकिन अभी आपका यूट्यूब चैनल पर 500 प्लस सब्सक्राइबर नहीं हुआ, तो ऊपर में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो देख लीजिए। आपका चैनल पर कुछ ही दिनों के अंदर 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएगा और आप लोग जाके बाद में कम्युनिटी टैब को एनेबल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक मैंने खुद ही यूज किया और मेरा चैनल पर कम्युनिटी टैब एनेबल हो चुका है। वहाँ पर आप लोग साइड में स्क्रीन रिकॉर्डर देख सकते हो और आप लोग जाके खुद ही चेक कर सकते हो कि मेरा चैनल पर कम्युनिटी टैब मिला है या फिर नहीं। मैंने जो ट्रिक से कम्युनिटी टैब को एनेबल किया वही ट्रिक आपको बताऊंगा। गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इससे पहले आपका छुट्टे का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है और आप लोग देख रहे हो इंटरेस्टिंग चैनल टेक मार्केटिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हो आप लोगों को। तो चलो मैं आपको उम्मीद करके रमा मजाक ना करके मेरा माल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से आप आपके यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब को कैसे एनेबल कर सकते हो। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर गाइस हम अभी आ चुका हमारा मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद गाइस वहाँ पर आपको क्या करना है, आप लोग जिस चैनल पर कम्युनिटी टैब को एनेबल करना चाहते हो, आपका जिस चैनल पर 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है, आपको क्या करना है, सिंपल इस चैनल को लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद गाइस वहाँ पर आपको आपका चैनल पर लोगों के ऊपर क्लिक कर देना है। लोगों के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस वहाँ पर आपको योर चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। योर चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस वहाँ पर आपको ऊपर में थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस वहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाले में हेल्प एंड फीडबैक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। हेल्प एंड फीडबैक के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे नीचे आपको सेंड फीडबैक के ऊपर क्लिक कर देना। सेंड फीडबैक के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस वहाँ पर आपको एक मेल करना है। आपको मेल क्या करना है, मेल करने से पहले आपको एक चीज वहाँ पर चेक कर लेना है। वहाँ पर आप लोग ऊपर में देख सकते हो मेरा जीमेल, आपका जिस जीमेल से आपका यूट्यूब चैनल है और जिस जीमेल का यूट्यूब चैनल पर 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है, आपको सिंपल सा क्या करना है, इसी जीमेल को वहाँ पर लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद गाइस वहाँ पर आपको एक चीज मेल कर लेना, कुछ मेल कर लेना। मेल क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं पहले से कॉपी करके रखा हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद गाइस वहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने क्या मेल किया, मेल कर रहा हूँ, डियर यूट्यूब आई हैव कम्प्लीट 500 सब्सक्राइबर ऑन माई यूट्यूब चैनल बट कम्युनिटी टैब इज नॉट एनेबल, सो प्लीज प्रोवाइड मी दिस फ्यूचर एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू। चैनल लिंक, चैनल लिंक में वहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल का लिंक को वहाँ पर डाल देना है। और आप लोग इसको लिखना नहीं आता है तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा आपका चैनल का लिंक को डाल देना। लिंक को डालने के बाद वहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है, इस स्क्रीनशॉट के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। और इस स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपका आपका चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो आपको अनहाइड होना चाहिए, ऐसे आपको एक टिक लगा देना है और वहाँ पर आपको सब्सक्राइबर देखना चाहिए। तो मेरा चैनल पर कम्युनिटी टैब मिल चुका है, तो मैं सब्सक्राइबर को अनहाइड नहीं किया है, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको ऐसा सब्सक्राइबर को अनहाइड करना है। अनहाइड करने के बाद गाइस वहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस मैंने पहले से भी मेरा चैनल पर कम्युनिटी टैब मिल चुका है, मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। गाइस आप लोग इस तरीके से आप आपका यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब को एनेबल कर सकते हो। आपका यूट्यूब चैनल पर 2 से 3 दिन के अंदर कम्युनिटी टैब को मिल जाएगा। गाइस आप लोग इस तरीके से आप आपका यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब को एनेबल कर सकते हो। और गाइस आपका यूट्यूब चैनल पर स्ट्रिक्ट से भी कम्युनिटी टैब को एनेबल नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर लीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में और एक जेन्युइन ट्रिक बता दूंगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले के ऊपर क्लिक करके ऑलमोस्ट सिलेक्ट कर देना, क्योंकि ऐसा और इम्पोर्टेंट मजेदार वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। वैसे आप चाहते हो मेरा वीडियो पर डिसलाइक करना तो आपको ऊपर में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो में जाकर आप लोग डिसलाइक कर सकते हो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए क्या करेगा ये वाला वीडियो देखो।